फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य सिसोदिया है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल एक्सएमएल पार्ट सर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं सिंपल एक्सएमएल पार्ट सर, जिसमें हम एक फंक्शन का यूज करेंगे जो सबसे लास्ट में लिखा है, सिंपल एक्सएमएल अंडर स्कोर लोड अंडर स्कोर स्ट्रिंग। तो सिंपल एक्सएमएल पार्ट सर इज अ ट्री बेस्ड पार्ट सर, ये ट्री बेस्ड पार्ट सर है। अभी हम आगे दिखाएंगे, इसमें एग्जाम्पल दूंगा मैं इसका। सिंपल एक्सएमएल प्रोवाइड्स एन ईजी वे ऑफ गेटिंग एन एलिमेंट्स। एक सिंपल वे होता है जिसमें सिंपल एग्जाम्पल प्रोवाइड करता है हमें एक सिंपल एलिमेंट्स का नाम, जैसे हम उसमें एलिमेंट्स का नाम गेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स एंड ठीक है, टेक्स्चर कॉन्टेंट और कॉन्टेंट, इफ़ यू नो अबाउट द एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट्स स्ट्रक्चर और लेआउट, है ना। अगर आपने पहले कभी देखा हो डॉक्यूमेंट्स स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर पर आपने देखा होगा शायद, इतना तो आपने थोड़ा कर ही लिया होगा। तो उसमें आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें नेम्स एक टैग्स होंगे, उसमें टैग्स में डेटा होगा और उसमें एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। तो हम देखेंगे आप एग्जाम्पल से, सिंपल एग्जाम्पल टर्न्स एन एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट इन टू द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होगा वो किस में देखिए, यहाँ देखिए ये ट्री बेस्ड है, एक ट्री की तरह है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ किस तरह से एक स्टूडेंट का डेटा एंटर किया और उसमें अपने टैग्स लगाए आपने, स्टार टैग और एंड टैग, और उसको हमने एक स्ट्रिंग में उसको रख दिया, ठीक है। तो अब ये स्ट्रिंग में क्या होगा, ये पार्सर इसको पार्स करेगा, और इसको एक पार्स करने के बाद हमें वो डेटा एक एरे के रूप में, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में हमें देगा, और हम वहाँ से एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो इस स्ट्रिंग को हम रीड कैसे करेंगे, स्ट्रिंग को एक फंक्शन है हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल डॉट स्ट्रिंग। तो उसमें हमने क्या किया, स्टार्टिंग में अगर देखा हो तो माई एग्जाम्पल डेटा जो शुरू में वेरिएबल लिया है हमने, उसमें एक स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग में हमने बना लिया एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल को हमने बना लिया और वहाँ आप देख रहे हैं उसमें एक स्क्रिप्ट में लिखा है एग्जाम्पल और वर्जन 1.1, ठीक है, और UTF-8 एनकोडिंग है UTF-8। तो यहाँ हम एक यहाँ चेंज कर लेता हूँ मैं टैग्स, देखिए तो आप देख रहे होंगे इसमें एक स्टार्ट टैग होता है, एक एंड टैग होता है, एक ठीक है, नेम नेम एज एज स्टार्ट टैग और एंड टैग। जब ये डेटा पार्स होगा, ये स्ट्रिंग पार्स होगी, तो वहाँ से डेटा जो आएगा वो एक उसका यहाँ में क्या होगा, एग्जाम्पल का एक सिंपल एग्जाम्पल का एक ऑब्जेक्ट में जाएगा, और ये आपको एक इसके जो नेम होंगे आप उसको फेच कर पाएंगे, ठीक है, दे पाएंगे एक एरे के रूप में, वो जो टैग के अंदर लिखे हैं सब डेटा वो एरे के रूप में आपको मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, तो वहां से आप एक्सेस कर पाएंगे। तो कंपेयर टू डॉम, अब देखिए यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, देखिए रिकॉर्ड, यहाँ मैंने एक रिकॉर्ड ले लिया है, ठीक है। तो ये जो हम बोल रहे हैं एग्जाम्पल डॉक्यूमेंट इन टू अ डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या होगा डेटा स्ट्रक्चर में बनेगा पहले वो, ठीक है, और फिर उसके बाद कलेक्शन ऑफ एरेज और कलेक्शन ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट्स उसके रूप में हमें मिल जाएगा। अगर हम तुलना करें कंपेयर और टू डॉम और एक्सपैक्ट पार्सर, तो सिंपल पार्सर जो है टेक अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड, कोड की कम लाइन लेता है वो रीड करने के लिए, टेक्स्ट को रीड करने के लिए, ठीक है, जो आपने डेटा दिया है उसको रीड करने के लिए, फ्रॉम एन एलिमेंट, एलिमेंट से जो एक एलिमेंट होगा उससे, ठीक है, फ्यू लाइंस वो लेता है। अब ये देखिए हम यहाँ देख लेते हैं, अभी ये प्रैक्टिकली देख लेते हैं और आगे देखेंगे, बहुत सारे वीडियोज पर देखेंगे, अभी हम थोड़ा जनरल एक छोटा छोटा सा हम इसमें इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल में अच्छा लगेगा हमें करना। तो यहाँ मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसे हमने सेव किया है, माई एग्जाम्पल डेटा एक वेरिएबल टाइप का ले लिया हमने, ठीक है, PHP वेरिएबल, और उसमें हमने स्ट्रिंग को डाल दिया। हम 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 अब यहाँ का क्या कराएंगे, इसको जो ऊपर वेरिएबल है उसको हम कहाँ पास कराएंगे, एक वेरिएबल हमने और ले लिया है स्ट्रिंग वो एग्जाम्पल, ठीक है, डॉलर एग्जाम्पल, और उसके इक्वल टू में हमने क्या किया है एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल और अंडरस्कोर लोड अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में हमने पास कराया इस फंक्शन में हमने पास कराया, ठीक है, ये इनबिल्ट फंक्शन है, इसमें हमने ये पास करा दिया माई एग्जाम्पल डेटा, वो इसको क्या करेगा, ये अभी हम ना यूज करें तो कोई बात नहीं, अगर ये चलेगा काम करेगा तो ठीक है, वो हमें दिखा देगा, नहीं दिखाएगा तो वो जो डाई हमने लिखा है वो एरर है, वो एरर शो कर देगा, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट करा लेते हैं एग्जाम्पल को, क्योंकि जो हमें इसका ऑब्जेक्ट है वो हमें मिल चुका होगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट मिल गया हमें सिंपल एग्जाम्पल एलिमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम फॉर्मेट कर लेते हैं, प्री फॉर्मेट यूज कर लेते हैं, प्री टैग होता है HTML में, वो इसको एक फॉर्मेट में अच्छे फॉर्मेट में दिखाएगा, तो
एंड में लगाएं या ना लगाएं काम चल जाता है। तो उसको प्रिंट कराते हैं सिस्टमेटिक, देखिए प्री फॉर्मेट, ये देख सकते हैं आप, जो आपने एक्सएमएल में स्ट्रिंग लिया था वो पार्ट्स हो गया और आपको एक ऑब्जेक्ट मिल गया है, सिंपल एक्सएमएल एलिमेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ उसका ऑब्जेक्ट मिल गया और उसमें आपके पास ये डेटा यहाँ आ रहा है, आप देख सकते हैं एक्सएमएल डॉक्यूमेंट या डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, टर्न्स एक्सएमएल, इसमें एक स्ट्रक्चर में आप ये देख सकते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद। तो देखिए यहाँ हमारा डेटा, अब यहाँ आसानी से आप इसको ले सकते हैं। तो एक ये डेटा जब डेटा एक्सचेंज होता है वेबसाइट के बीच में, तो ये एक फॉर्मेट है एक्सएमएल, इस फॉर्मेट में वो डेटा एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसी तरह जेसन होता है, वैसे तो जेसन लाइट वेट होता है आजकल, वो ज़्यादा प्रचलन में है, पर फिर भी हमें सब चीज़ का जानना जरूरी है एक्सएमएल भी। तो आइयो आप समझ गए, मैंने उसको हटा दिया एरर को, हम कभी बाद में देखेंगे, सिर्फ सिंपल सा ये हमें प्रिंट ये इनबिल्ट फंक्शन में स्ट्रिंग को पास कराना है और एक वेरिएबल के इक्वल टू हमने इनिशियलाइज करा दिया उसको एक्सएमएल में, उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। तो ठीक है, मैं इसमें एक टैग और बढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट का, मान लीजिए इसमें कई सारे स्टूडेंट के रिकॉर्ड होंगे तो कैसे करेंगे आप, तो भी समझ लीजिए एक स्टूडेंट का टैग और बनाया, यहाँ मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। तो ये तो आप समझ गए ये टैग जो है हम स्वयं लिख रहे हैं इसको, ठीक है, आप खुद ही बना रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग टैग बना रहे हैं, नेम एज एड्रेस फोन और भी बहुत सारे हो सकते हैं, और उसमें बीच में जो डेटा है स्टार्ट टैग और एंड टैग के बीच में डेटा है। ओ ये एरर शो कर रहा है, जो आपने कंटेंट लिखा है वो, ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपने वो ये स्टूडेंट को अलग अलग दिया, आपको इसको एक एक एलिमेंट में लिखना है, एक टैग के अंदर लिखना है। तो हम यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, एक टैग बना लेते हैं और उसमें रिकॉर्ड नाम दे देते हैं, एक स्टार्ट और एक एंड टैग ले लेते हैं, रिकॉर्ड ले लीजिए, स्टूडेंट्स ले लीजिए, कोई सा भी टैग ले लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से आप दिखाना चाहते हो डेटा को, किस तरह बनाना चाहते हो एक्सएमएल फाइल, ठीक है। यहाँ कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है और हमने स्ट्रिंग से बाहर दिया, इसको स्ट्रिंग में रखना होगा। तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छे लगे, तो बहुत सारे वीडियो इसको बनाने वाला हूँ एक्जाम्पल पर और स्टेप बाई स्टेप। तो अब देखिए हमने एक ही टैग में रख दिया दोनों को, अभी आसानी से शायद अब चलेगा ये, ठीक है, अब इसको पार्सिंग ठीक होगी इसमें। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए दो स्टूडेंट का डेटा आ गया, देख सकते हैं आप देखिए दो, और वहाँ की भी आ गई है जीरो, पहले जो डेटा है उसकी जीरो की और सेकंड वाले की वन, ठीक है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, तो एक रिकॉर्ड और डाल के देख लेते हैं। तो एक्सएमएल टर्न्स एंड सिंपल एक्सएमएल क्या करता है, वो किस में कन्वर्ट करता है, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स को, एक्सएमएल जो डॉक्यूमेंट्स बनाए आपने स्ट्रिंग है वो डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर बना के आपको दे देता है इसमें, और वहाँ से आप आराम से इटरेट कर सकते हैं इसको, कलेक्शन ऑफ एरेज या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको मिल जाते हैं, वहाँ से आप जो स्ट्रक्चर मिल जाता है, मैं इसको सेकंड वाले को आपको नया डेटा डाल के यहाँ मतलब एक्सएमएल नया टैग डाल के दिखा देता हूँ, फिर आपको देखेंगे सिंपल एक्सएमएल इसको कैसे डेटा स्ट्रक्चर मैं कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में हम और भी देखेंगे कि यहाँ से हम इको कैसे कराएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ये भी जानेंगे तो हम किस तरह से इसको इको कराएंगे। तो आप देख सकते हैं एरर दे रहा है यहाँ पर, कुछ गलत है स्ट्रिंग का है, कुछ गड़बड़ स्ट्रिंग नहीं थी। तो ये तो हो गया हम लोड स्ट्रिंग, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल लोड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को लोड कराना है तो आप इस तरह से होगा, और अगर एक एक्सएमएल फाइल को अगर लोड कराते हैं तो वो नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं उसको। और दोस्तों बहुत ही थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना टाइम निकाला वीडियो के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हम एक फाइल को लोड कराएंगे, यहाँ पर हमने सिर्फ स्ट्रिंग लोड कराया, ठीक है, आपने स्ट्रिंग लिखा है, और नेक्स्ट में हम कराने जा रहे हैं एक फाइल डॉट एक्सएमएल, एक फाइल बनाएंगे, उस पूरी फाइल को हम लोड कराएंगे और देखते हैं वो कैसे डेटा स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर डेटा कैसे बनेगा उसका, और उसको कैसे हम उसमें से भी डेटा को फैच करेंगे, इट्रेट करेंगे, फेट तो नहीं अभी फिलहाल, फैच एक एक करके फील्ड को हम फैच करेंगे, और इसके इसमें हम एट्रीब्यूट्स भी दे सकते हैं, हम आगे देखेंगे बहुत सारे वीडियोज़ में, ठीक है, अभी बहुत कुछ है इस वीडियोज़ में, और देखते रहिए बस आप।
तो ये था PHP सिंपल XML पार्सर। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फाइल कैसे लोड कराएंगे, ठीक है। डॉम तो अभी देखेंगे हम।